आगाज नई राह कौमी एकता समिति सागर द्वारा मिस्टर एमपी एंड मिस्टर सागर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 19 जनवरी 2020 को रविंद्र भवन में किया जा रहा है, जिसमें विजेता को 31,000 की इनामी राशि रखी गई है। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास एवं नौरादेही वन्य प्राणी वन मंडल सागर के तत्वधान में नौरादेही अभयारण्य की सिंहपुर रेंज के जमा सिखेड़ा कैंप में अनुभूति शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली बच्चों व ग्रामीण शामिल हुए। शिविर में एसडीओपी सेवाराम मालिक, सिंहपुर रेंजर ओपी श्रीवास्तव, मोहाली रेंजर आर के उपाध्यक्ष द्वारा हाई स्कूल चंदपुर के 125 बच्चों को सिंहपुर रेंज के जमारी खेड़ा वन का भ्रमण कराया गया। बच्चों ने वन की सैर कर भरपूर आनंद उठाया। बच्चों के साथ चल रहे मास्टर ट्रेनर बीएल स्वामी ने नौरादेही के जानवरों को पक्षियों वृक्षों के अवगत कराया, उनकी पहचान बताई, जिसके बाद छात्रों की सम्मान ज्ञात प्रतियोगिता साथ ही खेल प्रतियोगिता भी कराई गई। अच्छा लगा है और इनके बारे में कुछ अनुभूति में बताई है, जंगल के बारे में सुरक्षा क्या क्या करनी है हमारे लिए, और इनकी प्रेरित किया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं अपने पेड़ पौधों को बचाने के लिए। दिन प्रतिदिन हम अपने पेड़ पौधों को घटा दे जा रहे हैं और पेड़ पौधे बहुत काट जा रहे हैं। उनके लिए कुछ संरक्षण के लिए कुछ बात कही सर ने, उनकी रोकने के लिए और अपने जागरूक आसपास के सभी क्षेत्रों को उजागर करने के लिए कि अपने वनों को बचाएं और करें, और हमारे लिए कुछ इधर की और भी ऐसी चीज बताई है कि आसपास के लोगों को जागरूक करें। यहाँ कर हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ के वन्य प्राणी देखने को मिले, यहाँ के सर लोग भी बहुत, यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर सब लोग बहुत अच्छे थे। यहाँ पर ये देखने को मिला कि कौन से पक्षी कौन से हमें पक्षियों के बारे में बहुत सी जानकारी मिली, पेड़ पौधे के बारे में बहुत सी जानकारी मिली, और यहाँ तक कि पेड़ पौधे से जुड़ी हमें भगवान जी वगैरह से उनकी मतलब उन्होंने कौन कौन से वनस्पति को बचाने के लिए क्या क्या किया, ये फूलों के बारे में बताया सर लोग। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे यहाँ घूमने भी गए थे, तो वहाँ पर बहुत सारी हम लोगों ने पशु पक्षी देखे और बहुत 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 वृक्ष देखे थे, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे तालाब भी थे, तो वह भी देखा था। चल रहा है उसी के अंतर्गत आज सिंह परिक्षेत्र सिंहपुर के द्वितीय कैंप का आयोजन किया गया है, जो जमरासी में किया जा रहा है, और इसमें भी 120 बच्चे स्कूल दो स्कूलों से उपस्थित हुए हैं। इसके अतिरिक्त तो बच्चों को यहाँ पर वनों का भ्रमण कराया गया, वन का महत्व और वन्य प्राणियों के महत्व के बारे में बताया गया। साथ साथ में यहाँ जो जमरासी का तालाब है, जो एक्वेटिक लाइफ के लिए बड़ा मतलब मुफीद हैबिटेट है, वो उसका भी भ्रमण कराया गया, और प्रवासी पक्षियों के बारे में इनको बताया गया। कुछ जैसे पेंटेड स्ट्रोक है, ब्लैक स्ट्रोक है, कॉर्मोरेंट है, लिटिल है, इंडियन कॉर्मोरेंट है, पाइड किंगफिशर है, ये कुछ पक्षियाँ हैं, इनको प्रत्यक्ष रूप से बच्चों को दिखाए भी गए आज। इसके अतिरिक्त जो वनों से और वन्य प्राणियों से जो समाज को लाभ है, उसके बारे में हमारे मास्टर ट्रेनर ने बताया गया है, और क्विज का भी प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें क्वेश्चन आंसर है और पेंटिंग का क्विज है, दो तरह के क्विज की है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को बच्चों को इनाम दिया जाता है।